16 श्रृंगार की एक दुल्हन ससुराल के आंगन की बजाय पहुंची परीक्षा केंद्र। शेखावटी में महिलाओं की शिक्षा के प्रति जज्बा जागृति किस कदर है, इसका नजारा सीकर में देखने को मिला। दरअसल 7 फेरे लेकर विदाई की बेला के बाद 16 श्रृंगार की एक दुल्हन ससुराल की बजाय पहुंच गई परीक्षा देने इम्तिहान केंद्र। सीकर की रहने वाली सुनीता का विवाह मौल्यासी गाँव के सुभाष के साथ बीती रात हुआ। शनिवार को सुनीता खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा हो गयी कि जैसे ही वो ससुराल जाने लगी, अचानक उसने अपने पति को अपनी स्नातक परीक्षा के बारे में बताया। इच्छा जाहिर की वो परीक्षा देना चाहती है। इस पर दूल्हे ने कहा कि दुल्हनिया की इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। वो सीधे उसे लेकर सीकर के भारती कॉलेज पहुंच गया, जहां उसने परीक्षा दी। फूलमालाओं से सजी कार, दुल्हन की वेशभूषा में सजी बड़ी ठंडी सुनीता को परीक्षा केंद्र पर देख कर लोगों का मजमा लग गया। सुनीता को देख कर हैरान हो गए अध्यापक भी, साथ ही वे खुश भी थे कि शिक्षा के प्रति क्या शानदार जज्बा है। इस दौरान सुनीता ने बताया कि करियर जीवन का खासा महत्व है। रस्म रिवाज अदा करने के बाद वो परीक्षा देने आई, अब ससुराल जाकर रस्में अदा कर लेगी। जब तक दुल्हनिया सुनीता परीक्षा देती रही, दूल्हा बाहर बैठकर इंतजार करता रहा। सुनीता परीक्षा देकर वापस लौटी, सुभाष ने उसके साथियों से पेपर के बारे में पूछा। सुभाष ने बताया कि परीक्षा देने की इच्छा उसकी थी, उसका पूरा करना परम धर्म था। दुल्हन के इस जज्बे को देखकर भारती कॉलेज के अध्यापकों ने भी बहुत प्रशंसा की और कहा कि ये एक प्रेरणा की बात है। क्या कहेंगे इस बारे में आप, अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें।